हाय वीवर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं हलवाई जैसी लच्छेदार रबड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। लच्छेदार रबड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 1/4 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर, 1/4 कप ड्राई फ्रूट्स, 1 चुटकी केसर, 5 टेबलस्पून चीनी और 100 ग्राम मिल्क पाउडर। हमने जो मिल्क पाउडर लिया है उसमें थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जो 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है उसे एक हेवी बॉटम पैन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे हाई फ्लेम पर एक उबाल आने तक पकाएंगे। हाई फ्लेम पर एक उबाल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसमें जो मलाई आई है उसको आहिस्ता से पैन की दीवारों पर लगाते रहेंगे और इसको बीच में से भी चलाते रहेंगे। हमने जो मिल्क पाउडर और दूध का मिश्रण बनाया था उसे इसमें ऐड करेंगे। हम एक हाथ से उसको ऐड करते रहेंगे और एक हाथ से इसे चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़ जाए। और इसकी जो मलाई है उसको इस तरह से पैन की दीवारों पर लगाते रहेंगे। हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है, आप यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो भी रख सकते हैं। हमें इस तरह से दूध को मीडियम या फिर लो फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक इसकी क्वांटिटी आधी हो जाए। और इसके साथ हम इसको चलाते भी रहेंगे ताकि हमारा जो दूध है वो नीचे ना लगे। और इस तरह से हर 2 से 3 मिनट में हमें इसकी मलाई को पैन की दीवारों पर लगाते रहना है। हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है इसलिए हम इसे 20 मिनट तक ऐसे पकाएंगे। अगर आप लो फ्लेम पर इसे पकाते हैं तो कम से कम 30 से 35 मिनट तो लग ही जाएगी। और इसको हमें साथ ही में चलाते भी रहना है, जिसे कि आप देख सकते हैं कि हर 2 से 3 मिनट में हम इसकी मलाई को पैन की दीवार पर लगा रहे हैं और साथ ही में इसको चला भी रहे हैं ताकि हमारा दूध नीचे ना लगे। हमने इस तरह से इसे 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाया है और इसके दौरान हमने इसकी मलाई को 5 से 6 बार पैन की दीवार पर लगाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने जो दूध लिया था उसकी क्वांटिटी भी आधी हो चुकी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे केसर, मिक्स कर लेंगे और हमने जो चीनी ली है उसे भी ऐड करेंगे। इसी के साथ हमने जो छोटी इलायची का पाउडर लिया है उसे भी ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। और हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसकी आधी क्वांटिटी इसमें ऐड करेंगे और आधी क्वांटिटी को हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। और इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक और पकाएंगे। हमने जो किनारों पर मलाई लगाई है उसको इस तरह से निकाल लेंगे और सेंटर में ऐड करेंगे। हमने नॉनस्टिक पैन लिया है इसलिए जो मलाई है वो आसानी से निकल जाएगी। और ये जो मलाई है इसको हम तोड़ते रहेंगे, इस तरह से हमें चम्मच की मदद से मलाई को तोड़ते रहना है। और इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी को कुछ इस तरह रखना है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके कुछ देर रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखेंगे। 1 से 1.5 घंटे के लिए हमने रबड़ी को फ्रीज में रख दिया था। अब हम इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ सर्व कर लेंगे। तो लीजिए, खाने के लिए तैयार है हमारी लच्छेदार रबड़ी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।